लग तो अच्छा रहा है दिखने में। चॉकलेट वाली पर ये तो वो है, बटर स्कॉच लग रही है मुझे तो। चॉकलेट वाली कैसी होती है? कैसी? ऐसे तो बटर स्कॉच भी होती है। मस्त लग रहा ना, शाम का व्यू तो बहुत तगड़ा लगता है मुझे सुबह के व्यू से भी। यार वो कोई हाईवे है पता है। जय श्री जी राम। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी किचन वन ब्लॉग्स। और मैं हो चुकी हूँ बहुत परेशान, लाइट नहीं है और मेरे सर में दर्द हो रहा है। लाइट की वजह से भी मेरे बहुत सारे काम रुक गए हैं, मेरे मोबाइल पे डेटा नहीं है ठीक है, और बैटरी मैंने जहाँ बर्गर खाया था कल वहाँ चार्ज करा था मोबाइल की बैटरी ठीक है, गैस भी नहीं भर के आया अभी तो। अभी मैं मेंटेनेंस के ऑफिस जा रही हूँ फिर से, तो वहाँ पे रिचार्ज करवाने का देखती हूँ क्या सीन है। कार्ड वार्ड लेके जा रही हूँ अपना, उनका भी पता नहीं क्या है सीन है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। और अभी मैंने नाश्ता नहीं किया, मेरे सर में भी दर्द, मेरा उठने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। अभी मैं मेंटेनेंस ऑफिस पहुँच गई हूँ, ये इनका ऑफिस है और मतलब वहाँ पे और भी बहुत लोग आए हुए थे, सब सभी को शिकायत थी, तो मैं वेट कर रही थी कि मेरी टर्न कब आएगी। रिचार्ज तो मैंने करवा दिया था, मुझे उनसे पूछना था लाइट कब तक आएगी। ये गार्डन एरिया ना मुझे बहुत सही लगता है यहाँ का, मैं सोचा कि अब से शाम को आऊँगी या मॉर्निंग में आऊँगी ना यहाँ वॉक करूँगी, बहुत सही था। फूल भी थे यहाँ पर काफ़ी सारे, तो मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। मेरे फोन पे इसी का ही वॉलपेपर है, इसी टाइम पे ही होते हैं फरवरी मार्च तक। वहाँ देखो मेन पावर ही फेल हो रखा है, यहाँ पे सही हो रही है पावर। मैं नहाई नहीं हूँ ठीक है, और मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, अब मेरा सीधा ब्रंच हो रहा है। उसमें मैंने क्या करा है, फ्राइड राइस और मंचूरियन मंगवाया अपने लिए। भाई बड़ी दिक्कत हो रही है खाने की बिना गैस के, मुझे ना बाहर ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं रेगुलर नहीं खा सकती, ऐसे मुझे बाहर का ही खाना पसंद है पर मैं रेगुलर नहीं खा सकती कि सुबह दिन रात शाम को रोटी सब्जी तो अपने को चाहिए ही होती है। बस अभी थक भी लगी भी ना खाए ना थोड़ा बैटरी डाउन हो जाती है अपनी ठीक है। चलो लग तो अच्छा रहा है दिखने में। चावल इसके मस्त है यार, मंचूरियन राइस। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, यहाँ पे आओ चेयर पे। अब बताओ कौन लाया आइसक्रीम? पापा आइसक्रीम लाया। आइसक्रीम लाया, कौन सी वाली? चॉकलेट वाली। कौन सी वाली? चॉकलेट वाली। चॉकलेट वाली पर ये तो वो है, बटर स्कॉच लग रही है मुझे तो। चॉकलेट वाली। चॉकलेट वाली कैसी होती है? कैसी? ऐसे तो बटर स्कॉच भी होती है। तुम्हारा नाम क्या? भूमि शर्मा। भूमि? भूमि शर्मा। भूमि? भूमि शर्मा। भूमि? हाँ भूमि ना। भूमि शर्मा। भूमि शर्मा।
हाँ। ओ मम्मी का नाम क्या है? काजल। काजल। पापा का नाम क्या है? केदारी लाल शर्मा। हैं आइसक्रीम किसने दिलाई? हैं आइसक्रीम। पापा का नाम क्या है? केदारी लाल शर्मा। केदारी लाल शर्मा। हाँ। स्कूल जाते हो? हाँ। कौन सा स्कूल? नर्सरी में हो अभी? हाँ। कितने साल के हो? अब एलकेजी में जाने वाली हूँ। एलकेजी में जाने वाला? तुम्हारा नाम तो पागल है, तुम्हारा कोई समझ थोड़ी ना। क्या बोल रही मौसी? सही बोल रही मौसी? हैं क्यों, क्या गलत बोल रही मौसी? प्लास्टिक तो निकाल ले, कर ले दे दे। आपकी अपनी इवेंट रखी ला, मैं निकाल दूंगा। मैं नहीं खाऊंगी बेटा, तुम तो अभी खिला रही थी, मैं खाया, मैंने नहीं खाया, मुझे आइसक्रीम नहीं अच्छा लगता। मैं निकाल दूंगी, अच्छे से निकाल दूंगी, ला गोबर है दो, मैं निकालू। अरे वो उसके साथ वो भी आ रहा पेपर, लाना मैं पेपर निकाल दूं। अगर तेरी आइसक्रीम खाली तो? खाली तो क्या होगा? लाते सब पहले हमको दे देते हैं। फाइनली लाइट आ गई, थोड़ा सा मतलब उन्होंने 5 बजे बोला था, फिर भी उन्होंने 5:15 तक लाइट को ठीक किया है। पर जो भी लाइट तो आ गई ना, कहीं वो ये बोलते कि मैडम आज भी कोई पता नहीं है, 9-10 बजे तक आई, तब मैं क्या करती? कल तो मैं अंधेरे में लिटरली 8 बजे तक मैं अंधेरे में थी। वो तो ये कि आपका 7 बजे से अंधेरा होना शुरू होता है, तब आपका डार्क अंधेरा हो जाता है 8 बजे तक। अदरवाइज़ तो क्या ही बोलते, ऊपर से मच्छर इतने हो रहे थे, फिर ऑल आउट खरीद के लेके आए। तो बस अभी लेके बैठी हूँ अपना काम धंधा, तो अब करते हैं काम। पता है मुझे सर दर्द हो गया था एकदम से 15-20 मिनट के लिए, इतनी तेज़ सर दर्द कि यार लाइट भी नहीं है, मेरा मोबाइल में डेटा भी नहीं पड़ा हुआ है, और मैं मतलब मेरे लैपटॉप भी चार्ज नहीं है, मेरा मोबाइल भी चार्ज नहीं है, मैं क्या करूँगी, मैं किससे हेल्प मांगूँ करके। मैं एकदम से सर में दर्द, मैं सो ही गई, मैंने कहा भाड़ में जाए सब, मैं सो गई फिर 15-20 मिनट के लिए। नींद नहीं आई, उसमें भी इतनी कॉल आ रही थी ना मेरे को, मैं क्या बताऊँ, कभी इसकी कॉल कभी उसकी कॉल। अब ऐसा भी नहीं है, उठा भी नहीं सकते, उठाना भी जरूरी है, साइलेंट में पे नहीं रख सकते। छोटे छोटे हैं देखो, उग रहे हैं शायद, कभी नहीं लगाई, नहाया भी नहीं मैंने आज, गंदी सी लड़की हूँ। ओके बाय। चाय मैं पी के आ गई थी आज नीचे से ही, गैस नहीं है ना अपने पास। अभी फ़िलहाल तो मैं अपने लिए नींबू पानी बना रही हूँ, मीठे वाला। किसी को मालूम है अगर कि अगर जब आपका गैस ख़त्म हो जाए तो उस टाइम पे क्या स्नैक्स हम खा सकते हैं जिसमें गैस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मुझे बताना कमेंट में, जिसे लगे कि हाँ पेट भरा है। ऐसा नहीं लाइट लाइट कि हाँ आपको हर 5 मिनट में भूख लग रही है, मुझे वो भी नहीं चाहिए। तो गाइस प्लीज़ कमेंट करके बताना कि बिन जब गैस नहीं होता है तो हम क्या क्या बना सकते हैं अपने लिए। सैंडविच बना सकते हैं आई नो, पर सैंडविच के अलावा जैसे हर टाइम हम सैंडविच भी नहीं खा सकते हैं ना, तो जैसे हमारे पास 2 दिन से गैस नहीं है तो उस केस में बताना आप मुझे। मेरा पोहा खाने का मन कर रहा था, मैंने पहले सोचा सैटरडे को बनाऊंगी, फिर सोचा संडे को बनाऊंगी, फिर सोचा मंडे को बनाऊंगी, ऐसे कर करके आज ना ट्यूसडे हो गया, तो गैस ही नहीं है ना। खैर चलो जैसे आज ट्यूसडे है ना, तो मैं नहाई नहीं थी अभी तक, तो मैंने फिर से ना अपने लिए पानी गर्म करने रख दिया है। तो खैर डेली आदत पड़ गया है नहाने का,
तो जैसे आज ट्यूसडे है तो मुझे आज मंदिर जाना ज़रूरी है। मंदिर मुझे यहाँ दिखा नहीं है अभी तक, हनुमान जी का एक दिखा है वो काफ़ी दूर है, और देखती हूँ पर मैं फिर भी नहा लेती हूँ, जब मेरी फ्रेंड जाएगी तो उसके साथ देखूँगी मंदिर जाने का। अभी तो मैं फ़िलहाल पानी रखा है बाथरूम में, लगा है बाथरूम में पानी, मैं वो गर्म करने लगाऊंगी तो मैं फिर बस 5-10 मिनट का काम है नहाने का, फिर पढ़ने बैठती हूँ। तो कैसे फैलाई हुई अपनी चीज़ें मैंने फैला रखा है, ये वाला रखा है ऐसे, आज मैं टेबल में बैठी ही नहीं हूँ मुझे, पर इस पे सही लगता है काम करना उसकी बजाय। कल जो मूंग दाल का हलवा मंगाया था ना, ये रहा मूंग दाल का हलवा, भाई घी देखो इसमें, ये पूरा पोर्शन घी वाला है, ये यार इतना घी नहीं खाती हूँ मैं कि आप पूरा एकदम तर हो जाओ उससे घी से ही, इसलिए बहुत धीरे धीरे करके खा रही हूँ मैं। ये हो गया, मिठाई भी थी एक कराची का हलवा, ये भी मुझे अच्छा लगता है, ये दिख रहा है 3 पीस बचा है, बीकानेर से मंगवाया था बीकानेर, अंग्रेजी स्टाइल में मोई तो पी रहे हैं हम। एवरेज एवरेज हो रहा है, ज़्यादा खास नहीं हो रहा है। बाहर का भी दिखाती हूँ, मस्त लग रहा ना, शाम का व्यू तो बहुत तगड़ा लगता है मुझे सुबह के व्यू से भी। यार कोई हाईवे है पता है, उस हाईवे का मुझे नाम नहीं पता है, जहाँ पे आपको दिख रहा है ना ये हाईवे है पूरा, बच्चे कम दिख रहे हैं, ओ हैं तो बच्चे इतने सारे इधर, ये हाँ ये कितना सही डिज़ाइन किया हुआ ना, ये इतना बड़ा ग्राउंड बना दिया, इतना बड़ा भी नहीं है पर ठीक है ना, इनफ है। उस वाली दीवार में सिलाई पर ये पता है यहाँ पे मेंटेनेंस का काम हो रहा था, कर ही रही सब, इधर भी और ये भी दीवार ख़राब हो रही है, क्या यार अभी क्यों देख रही लोगों के घरों में। मैंने नहा धुल के पूजा भी कर ली है, बस अपने फ्रेंड का वेट कर रही हूँ आने का, कि वो आएगी तो मैं मंदिर जाऊँगी हनुमान जी के, ऑल आउट लगाया ना मैंने, मच्छर हो रहे, मच्छर ये देख मैंने कैसे कर दिया हाथों पे, ये दिख रहा होगा तो ये दाने दिख रहे हैं लाल लाल, ये मच्छर ने काटे हैं, पर इस हाथ में भी ये सारा ये मच्छर के काटा हुआ है, तब तो इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद किया, ऑल आउट चलाया ताकि जितने भी मच्छर होंगे ना मर जाएंगे, पर मुझे तो यहाँ पर मच्छर अभी दिख नहीं रहे, छुप गए होंगे पर्दे के पीछे, देखो पर्दे में छुपे नहीं है, ऑल आउट ऑल आउट कुछ काम नहीं करता है, यहाँ काम करता है गोबर के थेपले कंडाले बोलते हैं जिनको, कंडाले कंडाले वो देखो एक कोने में मच्छर, मोटा सा मच्छर चिपका हुआ है, आज लिखूंगी फिर से, क्योंकि जब से मैं नोएडा आई हूँ ना मैंने एक बार भी नहीं लिखा है, हालांकि मैं मंदिर जाती हूँ ट्यूसडे को, पर मैंने ये लिखा ही नहीं है, घर पे तो उतना टाइम मिल जाता था क्योंकि सामने रहती थी सारी चीज़ें, अभी थोड़ा ढूंढना पड़ता है, पता नहीं कहाँ मैंने डायरी रखी रहती, कहाँ पेन रखा रहता, तो बस लिखती हूँ आज उसको भी। मेरी फ्रेंड को ना काफ़ी लेट हो गया था, फिर हमने ना मंदिर नहीं गए, हमने खाना ऑर्डर कर दिया, खाना ऑर्डर करने में भी हमको काफ़ी टाइम लग गया था, हमारा कम से कम 1 घंटा हमें सर्च करने में लगा है कि हम क्या खाएं, तो हमने डिसाइड किया कि हम मलाई चाप और तंदूरी नान खाएंगे, ये आपका बटर नान और ये गार्लिक नान। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बताना मेरा आज का ब्लॉग आपको कैसे लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।